بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله مولانا العظيم. हज़रात उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, तलबे अज़ीज़ और मेहमानान, माशाअल्लाह तरबा की क़िराअत सुनकर जी खुश हो गया। ये जो हमारे सामने नमूने आ रहे थे, ये सब अपने पीछे की मेहनत का पता देते हैं। सच्ची बात यह है कि तालिबे इल्म साल भर मेहनत करता है, मश्क की मुज़ावलत करता है, उस्ताद का साथ देता है, तब जाकर उसका नंबर लगता है और वो किसी जगह बैठकर पढ़ने के काबिल होता है। दूसरे वो तलबा जो इस मौके के ऊपर पढ़ने में हिस्सा नहीं ले सके, उनको नए हौसलों के साथ आइंदा साल मेहनत करनी चाहिए। ये भी हमारे ही दर्जे का तालिब इल्म था और उतना ही उस्ताद के पास पढ़ता था जितना हम पढ़ते हैं, उसी क्लास में पढ़ता था, उसी किताब को पढ़ता था, मगर क्यों वो सबके दरमियान मनसे शुहूद के ऊपर आकर किराअत कर रहा था और मेरा नंबर नहीं लगा। एहसास कमतरी से बाहर आइए, हर तालिब इल्म में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, आप बढ़िए। ये अल्लाह ताला के ताल्लुक से एक बदगुमानी होगी कि मैं उन जहन हूँ या मुझको वो बात मुयस्सर नहीं जो मेरे तालिबे इल्म भाई को मुयस्सर है। आप मेहनत कीजिए, आवाज़ आपकी जैसी भी है, एक मर्तबा मश्क से उसको ऐसा ढाला जा सकता है कि आपकी यही मोटी आवाज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में लोगों के कानों को ठंडा कर सकती है। शेख मोहम्मद सिद्दीक मंशावी की आवाज़ आप देखिए, जो पतली पतली आवाज़ वाले होते हैं उनके मुकाबले इतनी गाढ़ी आवाज़ मालूम होती है इनकी, लेकिन उनके कलाम, उनकी क़िराअत का हुस्न देखिए आप। मेहनत से कोई भी चीज़ काबू में आ सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम एहसास कहतरी से अपने दामन को झाड़ दें, दूसरे नंबर पर इस बात का आज़म करें कि मेरा उस्ताद जितनी मेहनत करता है मुझे उससे डबल मेहनत करनी है। आपकी तलब, जैसा कि कारी रिजवान साहब ने अभी फरमाया, तालिबे इल्म की तलब तालिबे इल्म को बहुत ऊपर ले जाती है। जिन्होंने भी आज तक रफ़ात और सरबुलंदी के आसमान को छूया है, उनकी तलब की वजह से छूया है। अल्लाह ताला कभी कभी मेहनत के मुकाबले में तलब पर बहुत कुछ दे दिया करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सच्ची तलब दिखलाएं। अल्लाह को कितना प्यार आता होगा उस तालिबे इल्म पर जो बावजूद अपनी आवाज़ पर बड़ी मेहनत करने के भी काबू नहीं पा रहा है, लेकिन लगा रहा है। कभी उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बस यही वो मोड़ होता है जिसमें अल्लाह की तरफ से फैसले चेंज होते हैं और इस तालिबे इल्म की पिछली और अगली ज़िंदगी के दरमियान एक खत्ते फासिल आ जाता है और अब तरक्की का मैदान शुरू होता है। तलब सादिक चाहिए, हर एक पा सकता है, मैदान सबके लिए खुला हुआ है, सिलाए आम है कदरदानों के लिए। ज़रूरत है कि हम लोग अपनी मेहनत के जौहर दिखलाएं और अपने असातिज़ा की इन मेहनतों को रायगा न जाने दें। दूसरी एक बात मुझे इस वक्त ये कहनी है, माशाल्लाह इस वक्त हमारे यहाँ ये जो तिलावत कलाम पाक का माहौल है, बड़ा नूरानी, बहुत खुशगवार, अच्छे माहौल के अंदर असातिज़ा मुतशर्रे हैं, तालिबे इल्म शरीयत के दायरे में रहकर जो है क़िराअत कुरान सीखता है, पढ़ता है। इस वक्त दुनिया की एक दूसरी जमात भी क़िराअत कुरान कर रही है,
लेकिन उनका कुरान सिर्फ ज़ुबान की हद तक है, मुंह में है, यहाँ सीनों के अंदर नहीं उतर रहा है। क्लीन शेव हैं, शूट बूट के अंदर है, टाई में उनको शराफत मालूम होती है, और ये जो है क़िरात कुरान पढ़ते हैं। शायद हमारे इन बच्चों से लोगों की निगाहों में कहीं अच्छा कुरान करीम पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, हर चीज़ की बहार भी रहती है और हर चीज़ की ख़िज़ां भी रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ 1400 साल पहले बहुत सारे उन फितनों की निशानदेही की जो मुआशरती और समाजी रूह से उम्मत के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाएगी, उनकी रूहानियत को, ईमानियात को दागदार करने की कोशिश करेगी, वहीं उन फितन की निशानदेही भी की है जो क़िरात कुरान के हवाले से उम्मत में फैलनी है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अरबों के लहजों के अंदर और उनकी आवाज़ों में कुरान करीम पढ़ो, और दो किस्म के लहजों में कुरान पढ़ने से बचा करो, एक तो फासिकों का लहजा, गवैयों का लहजा, और अहले किताबें का लहजा। यहूद नसारा भी अपनी किताब को ख़ास ख़ास अंदाज में गुनगुनाते हैं। ख़ास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर, अपने इस इरशाद के अंदर, इनके लहजों और इनके टोनों में कुरान करीम पढ़ने से मना फरमाया। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हज़रत हुज़ैफ़ा नक़ल फरमाते हैं, मेरे बाद एक ऐसी कौम आने वाली है, एक ऐसी जमात आने वाली है जो कुरान करीम को गा गा कर पढ़ेगी, जैसे कि गवैये गाया करते हैं, जैसे कि रहबान और नसारा के जो पोप लोग हैं वो गाया करते हैं, और जैसे नोहा खानी करने वाली खातून गाया करती है। ये तीन टोन आपने इरशाद फरमाए जो मज़मूम है। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, लेकिन कुरान करीम इनके हंसलियों से नीचे नहीं उतरेगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ मुँह मुँह ही में रहेगा। और आगे आपने फरमाया कि इनके दिल कितना ज़्यादा होंगे, और जो इनको पसंद करेंगे उनके दिल भी मफ़तून होंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का खुलासा है। अबू शाम्मा ने अपनी मुर्शिदुल वजीज के अंदर यह रिवायत जो है नकल की है। इस रिवायत में गौर कीजिए, यहाँ बहुत सारे उन फितनों की निशानदेही की गई है जो किरात के साथ साथ किसी कौम के अंदर पनप सकते हैं, अपने पांव जमा सकते हैं। अभी नेट का ज़माना है, बास किरातें ऐसी सुनने को भी मिलती हैं जिसमें अंदाज होता है कि यह कुरान करीम का मुतवाज़ियाना पढ़ने का अंदाज नहीं है, बल्कि झटकेदार और थोड़ा सा गवैयों का सा, और बाज़ लोग तो शायद उनके लहजों को, जो गाने बजाने के लहजे हैं उनको किरात के ऊपर ढालते हैं या किरात को उन पर ढालते हैं और यूं पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ज़वाल आता है। और अगर किरात कुरान इन फितनों से मखदूश हो गई तो फिर वो अपनी असली हैसियत पर कायम नहीं रह सकती। फिर कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि इन फितनों की वजह से वक्ती और हंगामी तौर पर कुछ बंदिशें कायम करनी पड़े और मुस्तहबात के ऊपर जो है रोक लगानी पड़े। आप अभी मुबहम अल्फाज के अंदर इसको समझ लीजिए, मैं अगर इसको आपके सामने वजाहत से बयान करूं शायद आपके हाजमे के काबिल नहीं होगा। बहरहाल एक चीज़ हमको जहन में ले लेनी चाहिए कि क़िरात कुरान बहुत महमूद चीज़ है, अल्लाह तबारक व ताला की तरक्की का सबसे बेहतरीन और आसान तरीन ज़रिया है, मगर इसी के साथ साथ कुछ फितने भी चले आए हैं। कुरान करीम पढ़ने के ऊपर पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। मुझे ख़ास तौर पर इस वक्त ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि कल तक तो दूर दराज खितों के अंदर ये बला वबा थी, अब रेला गुजरात में पाँव तले आ रहा। अल्लाह ताला पनाह में रखे, आज हम दे रहे हैं पैसे, कल को हमारे ये तलबा पढ़ने पर कहीं पैसे लेने लग गए। हजरत हसन बसरी रहीमहुल्लाह ने फरमाया कुरान करीम पढ़ने वाले तीन किस्म के लोग हैं। पहली किस्म वो है जिन्होंने कुरान करीम को अपना सरमाया बना रखा है, जिससे वो लोग खाते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कुरान करीम पढ़ने वालों की तीन किस्में हैं। पहली किस्म वो है जिन्होंने
कुरान करीम को सरमाया बना रखा है जिससे वो लोग खाते हैं, उनका अपना पेट भरते हैं। नहीं देखा आपने एक आदमी अपना पैसा बिल्डिंग में और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जो बेनिफिट नफ़ा आता है उसको खाता है। तो इसने कुरान करीम को बगात बना रखा है और इसने जो है सरमाया बना रखा है, पढ़ता है पैसा लेता है। एक मजलिस के इतने पैसे होंगे। अभी बास कुर्रा की डिमांड 4 लाख की है किराए की। इंग्लैंड में बास कुर्रा जो है गए, उन्होंने एक अजान पर 500 पाउंड जो है तय किए, या 1000 पाउंड बाद का डिमांड और बढ़ गया, 1000 पाउंड लेने शुरू। ये क्या चीज़ है? यही वो बात है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, इक़्रउल कुरान वला तअकुलू भी, कुरान करीम पढ़ो लेकिन तिलावत पर पैसा मत लो। याद रखिए, तालीम कुरान पर पैसा लेना जायज़ है, हमारे फुकहा का मुत्तफ़िका फैसला है। तिलावत कुरान करीम के ऊपर पैसा लेना जायज़ नहीं है। अब ये क्या चीज़ हो गई? मजलिस से पहले बाकायदा सौदा और सेल परचेज की तरह, खरीदो फरोख्त की तरह सौदाबाजी होती है कि इतने पैसे इक़्रार के हुआ करेंगे। अल्लाह महफूज रखे ऐसी मजलिस के अंदर शिरकत, कहीं हमको, मैंने जो अभी हदीस शरीफ सुनाई उस जुमरे में शामिल ना कर दे। पढ़ने वाला भी मफ्तून है और उनको पसंद करने वाला, इनकी किरात पर माशाल्लाह कहने वाला भी मफ्तून। डरने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमावे। फितना बोल कर नहीं आता कि मैं फितना हूँ, वो ऐसे दबी आवाज़ में आता है और ऐसा हक का लबादा उड़ कर आता है कि मैं और आप उसको भनक भी नहीं महसूस कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमावे ऐसे फितनों से। बहरहाल हज़रत हसन फरमाते हैं कुरान पढ़ने वालों की 3 किस्म है। नंबर 1, जो कुरान करीम को इन्वेस्टमेंट का सामान बनाते हैं और उससे खाते हैं। दूसरी किस्म वो है जो कुरान करीम पढ़ते हैं सिर्फ ज़ाहिरी हुदूद अल्फाज मखारिज सिफात की बड़ी रियायत करते हैं लेकिन अहकाम व मसाइल के नाम से सिफर है। इन लोगों ने, ये हजरत हसन आगे फरमाते हैं कि इन लोगों ने अपनी शान बड़ी ऊंची कर रखी है और मालदारों को खूब दोहा है, पैसे खूब बटोरे हैं मालदारों से। और हजरत हसन बसरी यहाँ रुक कर फरमाते हैं कि ये दूसरी किस्म जो है, ये किस्म अभी हमारे ज़माने में बहुत बढ़ गई। ला कसरहुमुल्लाह, अल्लाह इनमें बरकत ना आता फरमावे, ये जमात घटे और ख़त्म हो जाए। और तीसरी एक जमात हज़रत हसन फरमाते हैं कि क़िरात कुरान करने वालों की वो है जिन्होंने कुरान को इलाज बनाया, शिफा का ज़रिया बनाया और अपने ज़ख्मी और बीमार दिलों पर रखा और अपने दिल की दुनिया की कैफियत बदल दी, चुनांचे उनमें खौफ और अल्लाह ताला के तई गमो हुस्न पैदा हुआ। और आखिर में फरमाते हैं हजरत हसन कि ये आखिरी जमात जो है वो अल्लाह की कसम आज इतनी नापेद है जैसे किबरीत अहमद सुर्ख गंदक जो हुआ करती थी, वो बहुत अजीज़ुल वजूद चीज़ समझी जाती है, उतने ज़्यादा कम कुर्रा है इस सिफत के ऊपर पूरा उतरने वाले। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इन चीज़ों की तरफ भी इल्तिफात करें, ये दूर दूर तक ना आने पाए हमारे यहाँ। अल्लाह से पनाह भी मांगनी चाहिए और जिन जगहों के ऊपर ये सिलसिले चल रहे हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सिलसिलों को भी बंद कर दे। फितन कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ही है। दुनिया में जितने फितन फैलते हैं अंधेरी छाती है, अल्लाह की रहमत से इंसान महरूम हुआ करता है। बहरहाल ये ख़ास तौर पर तवज्जो के काबिल चीज़ है, वरना सिर्फ हुस्न अदा के साथ और खुश आवाज़ी के साथ कुरान करीम पढ़ देना ये बताते खुद कमाल नहीं है। अगर उसके साथ हदूद की रियायत ना हो, शराय के खिलाफ वर्जी हो, तो फिर ये चीज़ महमूद नहीं है, मजमूम है। देखिए खवारिज, खवारिज को कौन नहीं जानता? इब्ने माजा शरीफ के अंदर मुस्तकिल टॉपिक कायम करके खवारिज के हवाले से जिस कदर रिवायात हैं उन्होंने जमा फरमाई है। आपको खुलासा बताऊं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक जमात ने अलाहदगी इख्तियार की और हरूरा नामी जगह के ऊपर पनाह ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ समझो बगावत कर ली उन्होंने, अमीर वक्त के ख़िलाफ़ बगावत बजात खुद एक बुरी चीज़। और फिर इनकी रेशा दवानियाँ इतनी हुई कि उनकी बस्ती में से कोई मुसलमान जाता तो गुलाम वादी समझ कर उनको पकड़ लेते। कुफ्फार के लिए जो आयतें उतरी थी वो सब मोमिनों पर जारी करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाजरे के लिए खवारिज के पास भेजा, जाओ आप बात करके आओ, क्या इश्कालात हैं उनके हल करके आओ।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, खवारिज को कुछ इल्मी मुनासबत थी हज़रत इब्ने अब्बास से, जैसे दूसरे और बहुत से सवालात वो लिख कर भी पूछा करते थे हज़रत इब्ने अब्बास से। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ गए, जाकर फिर वापस आए, जो रिपोर्ट दी वो सुनने के काबिल है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा को फरमा रहे हैं कि उनकी किरात सुनो तो अपनी किरात को उनकी किरात के मुकाबले में कुछ न समझो। वो ऐसी किरात करते हैं खवारिज कि अपनी किरातों को कुछ नहीं समझोगे तुम। हालांकि ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता तबका था हज़रात साहब, और ये पेशीन गोई में आ चुका था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इब्ने माजा में ऐसे हैं, आपने फरमाया कि ये ऐसी जमात आने वाली है कि जिस जमात की नमाज के मुकाबले अपनी नमाजों को तुम कुछ नहीं समझोगे, ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि अपनी नमाजों को कुछ नहीं समझोगे और उनकी किरात के मुकाबले में अपनी किरात को तुम कुछ नहीं समझोगे। मुहद्दिसीन ज़ैल में फरमाते हैं कि किरात से मुराद सिर्फ खुश आवाज़ी और उम्दा लहजगी और हुस्न अदा, वो बस। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान उनके हंजरे से नीचे नहीं उतरेगा, बस यहीं तक रहेगा, इसके नीचे नहीं उतरेगा। मतलब पढ़ने के एतबार से देखो तो इनके हम पल्ला कोई ना आ सके, लेकिन दिल इनके वहरान है, यहाँ से नहीं उतर सकेगा, मतलब दिल के अंदर कुरान करीम नहीं जा रहेगा। तो ये भी एक मजमून जमात है, किराते कुरान बहुत अच्छा करती थी, मगर चूँकि शराए की खिलाफ वर्जी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनाए हुए थी जो अहकामों मसाइल से डायरेक्ट टकराने वाली चीज़ थी, इस वजह से शरीयत में इनको इतना मजमून करार दिया गया। इब्ने माजा ही के अंदर रिवायत है, आप ने फरमाया ये लोग बीमार पड़े ना तो बीमार कुर्सी के लिए मत जाना, अगर मर जाएं तो जनाजे में शरीक मत होना, इनके इनके खाने पीने में इनके साथ जो है बैठने मत जाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस नवाह के मदारिस को नजर बद से बचाए, और जवाल जो दूसरी जगहों के ऊपर बहुत सों को अपनी लपेट में ले चुका है, अल्लाह हमारे इन इदारों को महफूज रखे। आदमी फितने से आगाह हो तो बचने की सबील कर सकता है। हमें चाहिए कि हम लोग अपना अगला रास्ता शरीयत के शरीयत की रोशनी में तय करें, नुसूस की रोशनी में तय करें, फितन से बचते हुए कमाला और चीज़ों के हुस्न को इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मसाई को कबूल फरमावे और उन फितनों से सबको महफूज फरमावे, जो गैर मफतून बाकी रहे हैं उनको भी और जो मफतून हो चुके हैं उनको भी। मैं असातिज़ा तलबा इंतज़ामिया सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को दारैन में हमारे लिए सआदत का ज़रिया बनावे, नजात का ज़रिया बनावे और ज़ख़्त आखिरत बनावे। व आखिर दावा।